हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ फायर पर स्वागत करते हैं। आपका यहाँ पर हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए, ठीक है। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप मैथ फायर में। आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को आप अगर करेंगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सब वहाँ जाकर जुड़कर और वहाँ पर जो भी क्वेश्चन हो उसे करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका उत्तर मिलेगा, ठीक है। हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। आप जैसा कि जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग यन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह आपका क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग यन से क्या, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल नंबर के बाद आपका सेकेंड जो होता है होल नंबर होता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्लू, ठीक है। यह आपका 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, ठीक है, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, बोलते रहे, तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है ये सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर होता है, या नेचुरल नंबर जो है यह क्या होता है, आपका होल नंबर में कंटेन होता है, ठीक है। यह एलिमेंट जो नेचुरल नंबर के जो भी एलिमेंट हैं वह होल नंबर में क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेट ऑफ इंटीजर नंबर, या आप इंटीजर नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर नंबर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक बढ़ेंगे, ठीक है। और इधर यहाँ पे -1, -2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक बढ़ेंगे, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जिसे आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको आप निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, जिसको आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है 0 से लेकर जो आपका निगेटिव वाला पार्ट होता है, यह आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है। और यह वाला जो पार्ट आपका होता है, यह नॉन निगेटिव, 0 से लेकर यहाँ तक नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, इंटीजर। ठीक, अब हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है, जो सेट ऑफ आपका रेशनल नंबर है, या आप देखेंगे कि रेशनल नंबर को आप लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से आप डिनोट करते हैं, इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और पी क्यू आर इंटीजर, ठीक है, यह क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका नेचुरल नंबर है, उसके बाद होल नंबर और आपका इंटीजर नंबर, यह सभी क्या है, सबसे छोटा आपका यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि इसमें कम एलिमेंट हैं इसके अपेक्षा, जबकि होल नंबर में उससे एक अधिक एलिमेंट है, क्या है, 0, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए, इससे बड़ा भी एक क्या है, सेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव इंटीजर के रूप में कंटेन है, जबकि नॉन निगेटिव
यहाँ पे जो पार्ट है ये पूरा होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे ए वाला पार्ट है आपका, यह एक्स्ट्रा हो रहा है इससे, तो यह क्या होगा, इससे बड़ा सेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे रेशनल नंबर में, ठीक है। रेशनल नंबर जो कि आपका यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख सकते हैं रेशनल नंबर का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरली देखिए 3/4, ठीक है, 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 5/8 लिख सकते हैं, ठीक है, 7/3 लिख सकते हैं, डॉट डॉट, ऐसे एलिमेंट इसमें कंटेन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जब पढ़ेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो इसमें कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे कि कुछ किन्हीं दो एलिमेंटों के बिटवीन, ठीक है, उनके मध्य का जो होता है, बिटवीन टू एलिमेंट जो होता है, आपको कुछ एलिमेंट्स लिखने होते हैं या कुछ नंबर को राइट करना होता है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे जैसे हम मान ले रहे हैं, ठीक है, कि आपको 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के जो है बीच के 5 एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इसके बीच बिन के 5 नंबर नोट करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 और 4, तो यहाँ पे हम लेते हैं, देखिए 3 को आप ऐसा कोई नंबर के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में मान लेंगे, जिसे कि आपका क्या हो कि इसके मध्य में आपके जो बीच में होंगे वो कितने नंबर आ जाएं, 5 नंबर। तो हम देखिए यहाँ पे लेते हैं, फोर बाई फोर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। इसी प्रकार अगर हमें 3 लेना है, तो ऐसा कोई नंबर चूज करना होगा जिससे कि क्या हो, 3 आए। तो हम यहाँ पे देखिए 21/7 कर दें, तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे नंबर को हम चूज करेंगे। अब 4 आने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं आपका, जो होगा 28/7, तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया, ठीक है। अब इनके बीच का जो है हमें 5 एलिमेंट नोट करते हैं। तो देखिए यह आपके एग्जांपल के लिए था देखना। अब यहाँ पे जो है इसके बीच के हमें 5 एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 3 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं 21/7, ठीक है। इसके बाद हम अगला एलिमेंट 22/7 हो सकता है, ठीक है। इसके अगले जो एलिमेंट होगा 23/7, उसके बाद 24/7, ठीक है, और 25/7, 26/7, ये इसके बीच के 5 एलिमेंट आपके हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आप इजीली नोट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए सेकेंड मेथड आपके लिए ये हो सकता है कि 3 और 4, ठीक है, के बीच के जो 5 एलिमेंट नोट करने हैं, उसको आप डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ठीक है, 3.5। इसको आप जब रेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 31/10, ठीक है, 32/10 कर सकते हैं, ठीक है, 33/10, 34/10, ठीक है, 35/10, इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी मेथड चाहें इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ आपके लिए, और ये आपका सेकेंड मेथड हुआ। तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसके साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है आपका सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है, देखिए एवरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं, ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, ठीक है, वो होल नंबर में ऑलरेडी कंटेन होते हैं, ठीक है। और होल नंबर जो होता है वो आपका, तो हम चलते हैं देखिए यहाँ पे, तो एवरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर या एवरी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर आपके होते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आप कह सकते हैं इसका रिवर्स क्या हो सकता है, तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, नेचुरल नंबर को यन से आप डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि सेट आप नेचुरल नंबर है,
इसके बाद उससे बड़ा आपका सेट होल नंबर का होता है, ठीक है। और उससे आपका जो बड़ा हुआ सेट है, ठीक है, वह किसका होगा, आपका इंटीजर नंबर का। पहले हम इन तीनों पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो एवरी होल नंबर होते हैं वह नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है, यह आपको मालूम होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे एवरी इंटीजर नंबर। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए, आपसे मान लीजिए सपोज एट क्वेश्चन किया जाए कि एवरी इंटीजर नंबर आर होल नंबर, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि एवरी इंटीजर नंबर आर नॉट होल नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं इंटीजर नंबर में आपके निगेटिव वाले पार्ट जो कंटेन होते हैं वह होल नंबर में नहीं होते। वहाँ पे रीजन के साथ आपसे पूछा जाता है विथ रीजन, तो यह रीजन दे सकते हैं कि जो निगेटिव वाले पार्ट होते हैं वह आपके होल नंबर में कंटेन नहीं होते, इसलिए एवरी इंटीजर नंबर इज नॉट होल नंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर, क्योंकि जो पार्ट ऑफ पॉजिटिव टाइप का होता है, पॉजिटिव पार्ट है जो इंटीजर नंबर का, उसको हम लोग वन से लेकर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जो देखते हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग पुनः क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, या उसे पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए हम आगे देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग आई आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर को हम लोग आई आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इरेशनल नंबर वो नंबर, देखिए इरेशनल नंबर वे सभी नंबर होते हैं जो कि क्या होते हैं, रेशनल नहीं होते, ठीक है, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि जिन्हें हम अंडर रूट में लिखते हैं वो सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जांपल के लिए अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट आपका फाइव हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट सेवन हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे एलिमेंट जो होंगे वो सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और इरेशनल नंबर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दो इरेशनल नंबर होते हैं, इन्हें हमें आगे क्या है क्वेश्चन आता है कि लाइन रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है, ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, कि लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, और लाइन देखिए पहले आप लोग समझते हैं कि जैसे यह लाइन हो गया, यह लाइन नहीं है, ठीक है, आप लोग कभी कभी इसको ही लाइन समझ बैठते हैं। तो देखिए यह लाइन नहीं है, आप देखिए ये जो एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट हैं इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग लाइन नहीं बोलते क्योंकि वन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड वाला जो ए इसका पॉइंट है वह एंड जो होता है अनंत इन्फिनिटी तक जाता है, और यह क्या है वन एंड पॉइंट है, जो वन एंड पॉइंट कंटेन करते हैं उन्हें हम, या किसी सोर्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इनको हम रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे, ठीक है। और इसमें जो है टू इनफाइनाइट जो होते हैं इसके पॉइंट होते हैं, मतलब ए अनंत तक जो है इनफाइनाइट तक जाएगी और ए भी इनफाइनाइट तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, ठीक है, और इसी लाइन पर हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जीरो, यहाँ पे वन सपोज दैट, यहाँ पे टू, ठीक है, थ्री, फोर, ऐसे ही नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब आपको सपोज दैट यहाँ पे कहा जाए कि टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि वन जो होगा, जीरो से वन यहाँ पे हम लोग एक वन तक चलेंगे, ठीक है, और वन यहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, वन यहाँ पे भी लेंगे, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक वन और यहाँ से यहाँ तक हम वन ले लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ से देखें मिला देंगे इसमें, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए आपका जो है इसको हम मान लेंगे ओ, इसको हम पी मानते हैं और इसको क्यू मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ की जो आपका ओ पी है, ध्यान दीजिए, ओ पी जो है इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए पी क्यू जो है वह वन दिया गया है, जबकि आपको ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इक्वल टू आपको वन दिया गया है, ठीक है। अब ओ पी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जब ऐसी केस आती है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे इसको फाइंड करना है, तो देखिए इसको आप लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, इसको आप लोग हाइट बोलते हैं, ठीक है, यच से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसको यच से डिनोट करते हैं, यह आपका हाइपोटेनस हो गया, इसको भी हम यच से लिखते हैं, ठीक है। तो आप एक पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में आप कुछ सुने होंगे या पढ़े होंगे क्लास एट में, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और उसका यूज करते हुए हम इसको यहाँ पे जो ए वाला है आपका ओ पी को फाइंड करेंगे, और उसके साथ हम यहाँ पे अंडर रूट टू को लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर आपका हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आपको बेस क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखिएगा वन दिया गया है तो वन का स्क्वायर करिए, हाइट आपको वन दिया गया है तो वन का स्क्वायर करेंगे आप। यहाँ पे आपका देखिए यच स्क्वायर बराबर आपका वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका वन है तो वन का स्क्वायर भी वन होगा, ठीक है, या यच स्क्वायर बराबर ये क्या होगा वन प्लस वन टू हो जाएगा, ठीक है, या यच बराबर आपको मिला अंडर रूट टू, ठीक है। तो यह आपका जो मिल जाएगा वो पी अंडर रूट टू मिलेगा, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे क्या करना था, फाइंड करना था। तो देखिए यहाँ से हम कंपास से इसको हम मेजरमेंट करेंगे जो भी होगा, और इसको यहाँ पे ड्रा कर देंगे, ठीक है, उतनी ही दूरी यहाँ से हम इस तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो वो जो होगा वह आपका अंडर रूट टू हो जाएगा, इसको आप जब कंपास से मापेंगे तो यहाँ तक आपका आएगा जो कि अंडर रूट टू होगा, ठीक है, यह आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए। इसी प्रकार से आप अन्य को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो और सभी नंबर है उसको हम अगले क्लास में क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे जो रेशनल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग जो होता है कुछ पार्ट, और अनटर्मिनेटिंग, यहाँ पे देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और आपका नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे देखिए कोई इरेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से लेंगे कि जो क्या हो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के रिस्पेक्ट में आपसे हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि आपका रेशनल नंबर में, ठीक है, आता है। तो आप रेशनल नंबर यहाँ पे इसके पहले हमने बताया है, ठीक है, रेशनल नंबर को आपको यहाँ से हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और आपको हमने बताया है कि अब यहाँ पे जो आपको डिस्कस करना है रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में आप लिखते हैं, ठीक है, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है और पी क्यू आपका इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे या इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसमें कुछ हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रकार से आपको हैं, ठीक है, थ्री अपॉन फाइव को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जीरो बार जाएगा आपका, फिर यहाँ पे डेसिमल आप लगाएंगे, ठीक है, फिर आपका ये थर्टी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर अलग से कोई प्रॉब्लम ना हो जिसे आपको समझ में आए हमारी बात, तो यहाँ पे देखिए जीरो बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, फिर डेसिमल को हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे थर्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कितने बार जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो होगा आपका थर्टी, तो ये सिक्स बार आपका जाएगा, ठीक है। यह क्या हुआ, देखिए सिक्स तो आपका पूरी तरह ये कट गया, ठीक है, जब पूरी तरह कट गया तब
यहाँ पे हम देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के हेल्प से हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अलग से आप देख सकते हैं कि इसका डिवीज़न आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, 0 वाले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा। डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितने बार जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 बार जाएगा तो यह पूरा आपका क्या हुआ 0 हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल का है, और यह जो होगा आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे लेंगे, जैसे अलग से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पे जैसे देखिए 5 लिखते हैं, यहाँ पे 3, तो 0 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 3 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। अब कितने बार जाएगा, तो आपका यहाँ पे 6 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, तो 4/5 यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, 6 कर दीजिए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो 0 बार जाएगा, अलग से आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, 4 यहाँ पे आप 6 लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 बार जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। डेसिमल आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे जब डेसिमल लगाए तो यहाँ पे 40 हो गया, जब इसके 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका 6 बार जाएगा, ठीक है। जब 6 बार जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, ठीक है, डिवाइड करिए, माइनस करिए यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका, या 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 बढ़ा सकते हैं तो कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो है 36 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यह 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे फिर करेंगे तो 10 फिर यहाँ से बढ़ा सकते हैं, फिर आप ऐसे करेंगे तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका यही होगा, ठीक है, 36 आएगा, फिर यहाँ पे आप घटाएंगे तो 4 आएगा, ये 0, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बार लगा देते हैं, ठीक है, तो 0.6 बार, क्योंकि बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हम ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखेंगे तो बहुत 0 लेवल से हमने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के हम यहाँ पे डेसिमल पार्ट पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें भी क्या होता है कि डेसिमल आ गया, ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पे जैसे आपका 0.1 आया, ठीक है, फिर यहाँ पे 0.01 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0.01 आ गया। तो ऐसा अगर आपको पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि न तो रिपीट कर रहा है कोई पैटर्न, और न ही क्या है ये आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड टर्म बोल सकते हैं, यह आपका इरेशनल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यह आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, ऐसे नंबर को हम यहाँ पे इरेशनल बोलते हैं। फिर हम आगे चलेंगे रियल नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर पर हम आपसे बात करेंगे, देखिए रियल नंबर जो होता है आपका, यहाँ पे रियल नंबर को हम आर से, रियल नंबर को यहाँ पे हम आर से
रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर को हम यहाँ R से डिनोट करते हैं, ठीक है। R इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0, 1, ठीक है, 2, यहाँ पे 3, डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक जाते हैं, फिर यहाँ पे 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 5/7 लिख सकते हैं, फिर डॉट डॉट यहाँ पे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट डॉट अनंत तक, इन्फाइनाइट तक हम जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -1 लिखेंगे, ठीक है, -2 लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आप डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे ऐसे ही। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3/4, ठीक है, यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं -5/7, डॉट डॉट इनफाइनाइट, माइनस यहाँ पे अंडर रूट 3, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। ये जो कलेक्शन आपका हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका रियल नंबर होता है, रियल नंबर आपका जो होता है वह आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड्स होती है, ठीक है। देखिए जो रियल नंबर है आपका उसके 2 पार्ट्स किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, और सेकेंड जो होगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब आप देखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ध्यान दीजिए कि आपका यहां से आप देखें कि जो नेचुरल नंबर है यन से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, और यह आपका जो नेचुरल नंबर है यह कंटेन होता है आपका होल नंबर में, ठीक है। इसके एवरी एलिमेंट किस में होते हैं, होल नंबर में होते हैं। और होल नंबर जो आपका होता है यहाँ पे इसके जो एवरी एलिमेंट होते हैं यह इंटीजर नंबर में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसके बाद आपका अगला जो नंबर होता है रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए यह जो है आपका इसमें पूरे तरह कंटेन है, यह इसमें कंटेन है, और यह इंटीजर नंबर जो आपका यह है यह पूरा किस में कंटेन होता है, आपका रेशनल नंबर में। और देखिए जो रेशनल नंबर है यह पूरी तरह रियल नंबर में आपका कंटेन हो जाता है, ठीक है, कि रियल नंबर में कंटेन होता है। और रियल नंबर में इसके साथ साथ देखिए आपका एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर, यह भी रियल नंबर में आपका कंटेन होता है। तो आपको यह ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है देखिए रेशनल नंबर में कुछ ऐसे नंबर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, रेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर जो होता है पूरा रियल में नंबर में जो कंटेन है, ई रेशनल नंबर यह क्या है, भी रियल नंबर में कंटेन है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसे नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका अंडर रूट यहाँ पे 3 हो गया, 3/5 हो गया, ये सभी रेशनल नंबर हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाए तो इसे आप क्या बोलेंगे, यह नॉन रियल नंबर होगा, ठीक है। ये सभी रियल नंबर हैं लेकिन ये नॉन रियल नंबर होगा, नॉन रियल नंबर। इसी को आप इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। यह आपका कंप्लीट हुआ पूरा नंबर सिस्टम, ठीक है। यहां से आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो है क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैथ फायर के WhatsApp ग्रुप से जुड़िए और जो भी डाउट्स हो उस पर पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट करिए।